उपायुक्त कुलदीप चौधरी समेत अन्य पदाधिकारियों ने सोमवार शाम बोकारो एयरपोर्ट का निरीक्षण किया। क्रमवार बोकारो एयरपोर्ट संचालन शुरू करने को लेकर चल रहे कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने बीएसएल एवं एएआई के प्रतिनिधियों को आपस में समन्वय बनाकर संचालित कार्यों को गति देने व उसे एक तय समय निर्धारित कर पूरा करने को कहा। उन्होंने संबंधित सभी पदाधिकारियों को अन्य समस्याओं का समाधान करते हुए त्वरित कार्यवाही करने को कहा। उनके साथ बोकारो विधायक बिरंजी नारायण भी उपस्थित थे। विधायक श्री बिरंजी नारायण ने कहा कि बोकारो की जनता का सपना है कि हवाई सेवा जल्द शुरू हो। इस दिशा में कई कार्य पूरे हो गए हैं, कई कार्य प्रगति पर हैं। इन कार्यों को समय सीमा निर्धारित कर पूरा करें ताकि एयरपोर्ट का संचालन जल्द शुरू हो सके। उपायुक्त ने एयरपोर्ट वेटिंग रूम, एंट्रेंस, एग्जिट, रनवे आदि को देखा। एयरपोर्ट परिसर में हटाए जाने वाले पेड़ों को भी देखा और सभी संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिया। मौके पर डिपो मैनेजर, वन प्रमंडल के अधिकारी, बीएसएल अधिकारी भी उपस्थित थे। हवाई यात्रा से रिलेटेड एयरपोर्ट निर्माण का जो कार्य चल रहा था उसमें सिविल वर्क लगभग कंप्लीट हो गया है। आज हम लोग यहाँ पर संबंधित पदाधिकारियों के साथ, जिसमें कि आपके डिपो मैनेजर बोकारो से जुड़ी हो साहब हैं और बोकारो डिवीज़न के फॉरेस्ट डिवीज़न से अधिकारी, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो ऑफिसर हैं और सेल के जो पदाधिकारी हैं, सब लोग यहाँ पर हैं। अभी जो इमीडिएट इशू है सामने की, जो 1732 पेड़ हैं जिनको काटना है, जिनका की अनुमति के लिए मामला पूरा रुका हुआ था, वो अनुमति आ गई है और डिपो की तरफ से भी जो अपने टेक्निकल फॉर्मेलिटीज है वो पूरी कर ली गई है। तो अभी जो फर्स्ट हम लोग का इमीडिएट टारगेट है कि यथाशीघ्र हम लोग इन पौधों को पहले यहाँ से काट के डिपो में भेजेंगे, जिसके लिए एक हम लोगों ने टाइमलाइन और एक्शन प्लान भी बना लिया है। इसके बाद में जो अन्य लाइसेंस लेने की जो प्रक्रिया है, जिसमें कि अपना ऑब्जर्वेशन वहाँ से जो आता है हेडक्वार्टर से, उसको लेके आगे की हम लोग कार्रवाई करेंगे और पूरी उम्मीद है कि हम लोग सभी टेक्निकल पॉइंट्स को पूरा करते हुए आगे जल्दी जल्दी कंप्लायंस करके इसको पॉजिटिवली लेके आगे बढ़ेंगे। अभी जो पेड़ इस समय यहाँ से शिफ्ट होना है, वो उनका नेचर भी अलग है और वो उस तरह टिम्बर वुड की कैटेगरी में भी नहीं है, तो अभी इनको यहाँ से शिफ्ट करना रिलेटिवली आसान है और जिसके लिए पूरी एक्शन हम लोगों ने प्लान तैयार कर लिया है और जल्दी ही हम लोग इस दिशा में आगे इसी वीक में होपफुली काम करेंगे। देखिए, सभी तैयारियों उस हिसाब से की जा रही, उम्मीद करते हैं कि समय पर कार्रवाई पूरी होगी। लगातार लगा हूँ बोकारो की जनता, ये सिर्फ मेरा सपना नहीं है, बोकारो की एक एक जनता का सपना है कि बोकारो से हवाई सेवा शुरू हो। और प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ, श्रीमान मोदी जी को, उन्होंने पिछले दिनों देवघर में आकर, बल्कि अपने श्रीमुख से घोषणा किया कि अगला नंबर बोकारो का ही है। राज्य सरकार को भी धन्यवाद दे रहा हूँ और उसके बाद राज्य सरकार भी जगी है, और डी साहब को धन्यवाद दे रहा हूँ, डी साहब भी लग के भिड़ के प्रयास कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि निश्चित रूप से आने वाले समय में 2022 में हम लोग किसी भी समय यहाँ से उड़ान भर सकें। हम लोग लगे हैं, लगातार लगे हैं, बिना रुके बिना थके, और हमने तो आज आग्रह भी किया जिला प्रशासन से, एयरपोर्ट अथॉरिटी के लोगों से कि एक डेट तय करें, अन्यथा मुझे विधानसभा में भी इस विषय को इस बार में गंभीरता से उठाने वाला हूँ। संकल्प भी दिया है गैर सरकारी संकल्प के माध्यम से, मैं विधानसभा में सरकार को मजबूर करूँगा कि सरकार तिथि बताए कि वो तिथि कौन सी है, हाँ यहाँ से उड़ान भरने के लिए वो तिथि बताए। मैंने गैर सरकारी संकल्प के माध्यम से सरकार से जानना चाहा है और गैर सरकारी संकल्प 5 अगस्त को आना है, तो 5 अगस्त को आना है तो सरकार जवाब देगी कि कितने तारीख को यहाँ से हवाई सेवा शुरू होगी।